पहले बच्चे बैग लेकर स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन अब भेड़िया इनके बचपन को खा गया। ये नादान बच्चे बहराइच के नौवन गरीठी गांव के रहने वाले हैं। ये वही जगह है जहां भेड़ियों ने खौफनाक हमला किया। हाल ही में एक 2.5 साल की मासूम बच्ची भेड़िए का शिकार बनी, उस बच्ची की मौत हो चुकी है। भेड़ियों से डरना जायज है, अब तक कुल 10 लोगों की भेड़ियों के हमले में मौत हो चुकी है। अब भेड़ियों का आतंक बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर डालने लगा है। दरअसल इलाके में गन्ने के खेत ही खेत हैं। बच्चों का स्कूल 3 से 4 किलोमीटर दूर है। रास्ता गन्ने के खेतों से होकर गुजरता है। गन्ने के खेतों को पार करना किसी बड़े खतरे का बुलावा हो सकता है। वजह है, भेड़िए गन्ने के खेतों में छिपे हैं। बच्चों को डर है कि अगर स्कूल गए और भेड़िए ने हमला कर दिया तो उनकी जान भी जा सकती है। माता पिता भी क्या करें, कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई अपने बच्चे को भेड़िए का शिकार नहीं बनाना चाहता। ये सिलसिला कई समय से चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल पढ़ने जाते हो? स्कूल पढ़ने पहले जाते थे, अब भेड़िए के डर की वजह से नहीं जाते। सारे लोग जो है स्कूल इस वक्त नहीं जा रहे? नहीं जा रहे डर की वजह से। अच्छा, तो रात में कैसे रहते हो? रात में घर में पल्ला बांध करके सो जाते हैं। डर है तुम लोगों के दिल में? डर है, तभी तो स्कूल नहीं जा रहे हैं। 6 किलोमीटर दूर है स्कूल यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर है। कैसे जाते हैं? स्कूल पैदल जाते हैं। चारों तरफ गन्ने का खेत है? गन्ने का खेत है, तो इसीलिए डर की वजह से कि कहीं गन्ने से निकल करके जो है भेड़िया हमला न कर दे। समझे? तुम लोगों ने भी भेड़िया देखा है अपनी निगाह से किसी दिन? हमने नहीं देखा है, लेकिन आज बता रहे हैं कि हमने देखा है, एक बच्ची को उठा ले गया। बहराइच के करीब 50 गाँव में यही हाल है। स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम हो गई है। स्कूल ही नहीं, इन गाँव में सामान्य जनजीवन थम सा गया है। किसान खेतों में काम करने से डर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूर दराज मजदूरी करने वाले भी परिवार की रखवाली के लिए घर पर बैठ गए हैं। इन लोगों की आमदनी पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू बाल्मीकि की रिपोर्ट।